देखिए बोकारो विधानसभा में लगातार कौतूहल का विषय बना हुआ था और बोकारो विधानसभा में चंद दिन पहले ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आपको बात कराया था, रूबरू कराया था, किस तरह तमाम लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, उदास थे, क्योंकि तमाम लोगों को ये आशा हो चुकी थी कि जो वर्तमान विधायक हैं उनका टिकट कटने ही वाला है। लेकिन आज जब कल रात में ही भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी किया है और उसमें बोकारो विधानसभा का में बोकारो के विधायक वृंची नारायण को टिकट मिल गया है, उसके बाद कल रात से ही जश्न का माहौल है। तमाम भाजपाई कल से ही खुशी मना रहे हैं, रांची से ही तस्वीरें देख रहे थे आप लोग कि तमाम भाजपाई पड़ाके फोड़ रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। इस समय हम लोग जैना मोड़ में हैं और जैना मोड़ में ये बोकारो विधायक का आवास है, जहाँ पर पैतृक आवास है, जहाँ पर उनके माता पिता रहा करते हैं। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि उन लोगों ने बॉर्डर लाइन को भी क्रॉस कर लिया है। बॉर्डर लाइन कहने का मतलब है कि तमाम लोग बेरमो विधानसभा में आके घुस गए हैं। ये बोकारो विधानसभा के कार्यकर्ता हैं जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इन लोगों ने अपनी मर्यादा भी लांघ लिया है और दूसरे के विधानसभा में कब्जा करने आ गए हैं। तो बेरमो विधानसभा में आप लोग घुस चुके हैं। बेरमो ही हमारा ही यहाँ भी बाटुल जी है और विधायक जी का यहाँ निवास स्थान है, तो हम लोग आए हैं उनके निवास स्थान पर, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर यहाँ से अपना क्षेत्र चलेंगे हम लोग उनका स्वागत करते हुए। देखिए कल से ही तमाम लोग देख रहे हैं। मैं बताऊं कि धीरज झा भी हैं, धीरज झा ने एक बयान दिया था, उसके बाद आक्रोश हो गया था तमाम पार्टियों और सोशल मीडिया पे विरोधी भी हावी हो गए थे। धीरज झा जी, उस दिन मैंने कहा था आपसे आप काफी उदास दिख रहे हैं, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं उस दिन भी उदास नहीं था और मेरी आवाज थोड़ी अभी खराश है, गले में बोल नहीं पा रहा मैं, लेकिन वाकई बता रहा हूँ हम सभी बहुत खुश है। तो देखिए धीरज झा ने रात में ही इतना चिल्लाया है कि लोगों ने देखा है और इतना चिल्लाया है कि गला बैठ गया। टिंगू तो बढ़िया भैया, टिंगू तो बढ़िया से बात करते हैं। टिंगू जी कितना खुश हैं, चेहरे पे झलक रहा है। और कल हम लोगों ने सोशल साइट पे देखा, बड़े चैनलों पे भी देखा कि आपने जोरदार बयान दिया था, तो आज जो सीमा लांघ कर आप यहां चले आए हैं तो ये खुशी है। बिल्कुल, कहा कमलेश राय जी ने बताया कि बेरमो भी हमारा ही विधानसभा है, बाटुल जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, भटक सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और सोना जब तप के निकलता है तो कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार वृंची नारायण जी पर जो झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसाने का जो प्रयास किया गया था, उसमें सारे साजिशकर्ता बेनकाब हो गए हैं। और चास की जनता जानती है कि 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में उनके दामन में कोई दाग नहीं है और हम लोग 1 लाख 1.5 लाख के अधिक मतों से विजय श्री प्राप्त करेंगे।